दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा मेरे पेठे, मैं आजकल घबराई हुई हूँ। ममता का दुबई में है दावा, पीएम पद की बनेगी उम्मीदवार, ये है इरादा। कह रही है सारे दावे जाओगे भूल जब ममता बनाते कि तुम्हारा अप्रैल फूल। मेरे पेठे मुझे पछा ले, मुझे पछा ले मेरे पेठे पप्पू। इस तरीके के सपने आ रहे हैं मुझे। मोहब्बत की दुकान में आपका स्वागत कर रहा है पप्पू। ओ राहुल, नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या करूं, हर कोई जिसे देखो पीएम बनने को तैयार है। और इस समय सबसे हल्ला बोल और जिसका हथियार है वो है ममता, जो मुझे लग रहा है पीएम उम्मीदवार की सबसे बड़ी दावेदार है। देखा, मुझे मेरी माँ की ममता इतनी याद नहीं आती जितनी कोलकाता की ममता याद आ रही है। क्या कर सकते हैं, ये i.n.d.i.a इस वाली इंडिया का यही है रोना। हर एक को पीएम पद पर है रोना, सब कुछ जाए खोना, पर एक बात पे है सबका एक ही परामर्श कि सबको एक साथ लेके चलना और रोते रोना, रोता रोना, रोना रोना, रोना रोना। कभी शब्द भूल जाता हूँ, कभी ममता भूल जाता हूं अपनी माँ की। कभी जब आई थी मीटिंग्स में तो हमेशा यही बोलती रही, तुमर को हमारा समर्थन है। और अब भैया कह रही हैं कोरबो लड़बो जीत बोरे, ममता को पीएम बना बोरे। तीन चार दिन मम्मी रोई है ना, उसके बाद उनका फेस बिल्कुल ममता जैसा हो गया। कल रात को जब उन्होंने मेरे को ग्लास में दूध भर के लाई तो मैं, उन्होंने बोला बैठे राहुल दूध पी ले, मैंने जैसे ही पलटा मैं डर के मारे ग्लास भी छूट गया मम्मी के हाथ से। बिल्कुल ममता लग रही थी, बिल्कुल आंखें इतनी भारी हो चुकी थी पूछो। तब मैंने पूछा मम्मी क्या हुआ, तब ये जो मैंने शुरुआत में बोला था ना, रिवाइंड करके आप देख सकते हो, सबका यही है रोना, ममता का यही है दावा के बनेगी पीएम और हटाएगी सबको, समथिंग समथिंग ऐसे करके रो रही थी। भैया आप क्या करूं, माँ के अश्रु नहीं देखे जाते। तुम मन लो भैया पीएम, और कहती भी है प्यारी ममता, पीएम स्टैंड फॉर प्यारी ममता, पीएम ममता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह गठबंधन गधे की किस जगह जा रहा है। कैमरामैन भैया फंस सकते हो, जो मैं कहना चाह रहा था आप सबसे पहले समझे हो, बिल्कुल सही, किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां गधा भी परेशान है और हम तो हैं ही। कौन सा ऐसा बंदा है, लालू, केजरी, ममता, अपना क्या नाम है इसका नीतीश, कौन पीएम नहीं बनना चाहता। लेकिन ममता की हद देखो कि दुबई तक पहुंच गई है, विदेशों में अपने बारे में बता रही है, फैला रही कि मैं पता नहीं क्या हूं, क्या हूं, क्या हूं। मेरे को किसी को यह बताने के लिए मैं क्या हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैं पार्लियामेंट चला जाता हूं और सबको सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि मैं, दैट्स इट। और लोग विश्वास भी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं सच्चा आदमी झूठ नहीं बोलता, और वो सच्चा आदमी एक ही है, आंधी, ओ आउल आंधी, और आपको पता आउल किसे कहते हैं, ओ राहुल किसे कहते हैं।
मुझे ये नहीं पता कि 2024 में कौन पीएम बनेगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि 2024 के बाद कौन नहीं बनेगा कुछ भी। कन्फर्म है। और मुझे कभी कभी लगता है, हाँ नहीं सर मैं आपकी बात भी सुनूंगा, ये पहले मेरी सुनिए आप, हाँ मेरी सुनिए आप। हाँ मैं कह रहा हूँ कि भले कोई बने ना बने, लेकिन मैं ज़रूर बनूँगा। पीएम बनूँ ना बनूँ, लेकिन ज़रूर बन जाऊँगा और फिर पप्पू कहलाऊँगा। Bye-bye and God bless.